सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आप लोग देख सकते हो अभी स्क्रीन पे, इस तरीके का फोटो एडिटिंग करने के लिए हमें दो तरीके का पोज देके फोटो निकाल लेना चाहिए। पहला पोज है इस तरीके का और दूसरा पोज है इस तरीके से दो पोज देके फोटो निकाल लेना चाहिए। सो उस तरीके का फोटो निकाल लेने के बाद अभी मैं आप लोगों को बताता हूँ कि कैसे एडिट करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग बैकग्राउंड इरेजर ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद इस पर फोटो ऐड कर लेंगे और यहाँ पे डन देके मैजिक पे जाएंगे। मैजिक वाले ऑप्शन पे जाने के बाद फ़ोटो के साइड्स अच्छी तरीके से एरेस कर लेते हैं। थोड़ा मैं यहाँ पे वीडियो को स्पीड कर लेता हूँ क्योंकि वीडियो का लेंथ वरना ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। इसको ठीक से एरेस कर लेने के बाद यहाँ पे डन देते हैं। डन देने के बाद यहाँ पे सेव कर लेते हैं। सेव करने के बाद फिर आपको बैक जाना है, पूरा बैक जाके फिर नए से और एक फ़ोटो जो है ना उसको ऐड कर लेते हैं और फिर अब इस फोटो को बैकग्राउंड क्लीन से एरेस कर लेते हैं मैजिक वाले ऑप्शन पर जाके। सो मैं इस वीडियो को भी थोड़ा फास्ट कर लेता हूँ। सो गाइस, यहाँ पे दो फोटोज़ का भी बैकग्राउंड एरेस कर लिया है। तो यहाँ से फ़ोटो को सेव करके यहाँ पे डन देके अभी सीधा हम लोग जाएंगे पिक्सआर्ट पे। पिक्सआर्ट पे जाने के बाद एडिट फोटो पे जाके बैकग्राउंड डाल लेंगे। यहाँ पे इस बैकग्राउंड को मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ऐड फोटोज़ पर क्लिक करेंगे और जिस फोटो का बैकग्राउंड एरेस किया था दोनों फ़ोटो को यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। इस तरीके के पोज वाले फ़ोटो को यहाँ पे स्क्रीन के अंदर यानी कि ग्लास के अंदर ऐड कर लेते हैं। इसको थोड़ा एडजस्ट करके मैं सेट कर लेता हूँ। मेरे पैर वाले पार्ट को थोड़ा यहाँ पे एरेस कर लेता हूँ क्योंकि ऐसा लगना चाहिए कि मैं इस चीज़ के पीछे खड़ा हूँ। सो इसको एरेस कर लेता हूँ इतना ही। एरेस करने के बाद ये जो फ़ोटो है बैक साइड वाला, उस फोटो को यहाँ पर सेट कर लेते हैं ठीक से। सो मुझे ये जो मिरर वाला फ़ोटो है वो थोड़ा बड़ा लग रहा था साइज़ में, तो इसको थोड़ा साइज़ छोटा कर लेता हूँ और इसको रिस्टोर कर लेता हूँ यहाँ पे थोड़ा सा। सेट कर लेने के बाद यहाँ पे इसको डन करके सेव कर लेते हैं गैलरी पे। यहाँ से सीधा गैलरी पे जाते हैं। फ़ोटोज़ पे जाने के बाद यहाँ से इस वाले फ़ोटो को लाइट रूम पे ऐड कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट सीधा जाते हैं लाइट रूम पे। लाइट रूम को ओपन कर लेते हैं यहाँ पे। सो यहाँ से फ़ोटो को ओपन कर लेते हैं और फिर जाएंगे लाइट वाले ऑप्शन पे। लाइट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद यहाँ पे एक्सपोजर को कर लेते हैं -0.49 और कॉन्ट्रास्ट को कर लेते हैं -37 और हाइलाइट्स को कर लेते हैं +35। शेडो को कर लेते हैं यहाँ पे +29 और वाइट्स को कर लेंगे यहाँ पे -50। और ब्लैक्स को यहाँ पे 53 कर लेंगे। और इतना करने के बाद नीचे वाले ऑप्शन पे जाएंगे, कलर वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे जाने के बाद किसी को भी टच नहीं करेंगे, सीधा वाइब्रेंस पे जाएंगे। वाइब्रेंस की वैल्यू हम लोग यहाँ पे +58 रखेंगे और ऊपर राइट साइड में एक ऑप्शन दिख रहा होगा मिक्स वाला, वहाँ पे जाते हैं। ऑरेंज वाले कलर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे वाइब्रेंस को कर लेते हैं +18 और लुमिनेंस को कर लेते हैं +61। यहाँ पे येलो कलर पे जाएंगे, ह्यू की वैल्यू -2 रख लेंगे, ल्यूमिनेंस की वैल्यू +60 कर लेंगे यहाँ पे।
नेक्स्ट टाइम पे ब्लू कलर पे जाते हैं, ह्यू की वैल्यू 56 रखेंगे और सैचुरेशन की वैल्यू 69, ल्यूमिनेंस की वैल्यू 55 रखेंगे यहाँ पे और यहाँ पे डन कर लेंगे। और इसके नीचे एक ऑप्शन है इफेक्ट वाला, वहाँ पे जाने के बाद टेक्सचर को कर लेते हैं यहाँ पे 57, क्लियरिटी को यहाँ पे रख लेंगे 17, डीएस को यहाँ पे रखेंगे -27, विग्नेट को यहाँ पे -28 और फिर उसके नीचे एक ऑप्शन है डिटेल्स वाला, वहाँ पे जाने के बाद शार्पनिंग को कर लेंगे 42 और थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद यहाँ पे कलर नॉइस रेडिएशन रहेगा उसको 15 कर लेंगे, स्मूथनेस को जो है 100 पे रखेंगे। सो गाइस इतना ही है। सो देख सकते हैं आप लोग, आपका फ़ोटो इफेक्ट डालने के बाद पहले इस तरीके से था, अभी इफेक्ट डालने के बाद इस तरीके का हो गया है। सो यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पर जाते हैं ऊपर राइट साइड में और फिर सेव टू डिवाइस पे दे देते हैं। सो गाइस वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।